Hare Krishna, Hare Krishna. ये माइक क्यों ले रहा हूँ? हाँ, ये माइक इसको दे। हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो Thank you.
हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। ओम अज्ञानतमिरामुदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य में प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा की कथा हम श्रवण करेंगे। शरीर में तो यहीं पर रहेंगे लेकिन मन मन में श्री, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अगर किसको भक्ति करना है कैसे करनी चाहिए बोले तो हमें तब भी हमें फल प्राप्त हो जाएगी हैं। इसलिए हम मन मन में परिक्रमा करेंगे। आज वृंदावन धाम की कथा प्रभु लोग सुनाएंगे। बोले ये जमुना कौन है कहते चिदानंद भानु सदा नंद सुनो परम प्रेम गात्री अघानाम लभेत्री। कहते ये यमुना कोई साधारण नदी नहीं कहते राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के बहती हैं ये श्री यमुना पटरानी ये श्री विशाखा सखी है। कहते इसका रंग काली क्यों बोले कृष्ण चिंता करते करते ये यमुना काली हो गई। इन्हीं की कृपा से ही जीवों को भगवान की भक्ति इनकी कृपा से ही जीवों को भक्ति प्राप्त होता है। अरे यमुना महारानी ही ये राधा कृष्ण का जो जुगल मिलन श्री यमुना महारानी ये जुगल मिलन कराती हैं राधा कृष्ण की। इसलिए हम लोग सबसे पहले कैसी घाट पर वहीं पर हम लोग संकल्प करते हैं। कहते स्थान का नाम पड़ गया कैसी घाट। बोले कैसी घाट क्यों नाम पड़ा वहाँ पर कृष्ण ये कैसी दैत्य को वहीं पर उन्होंने वध किया था। बोले कैसे कैसी दैत्य को वध किया एक दिन कृष्ण सखाओं को साथ में खेलते खेलते इतने में जो कृष्ण का प्रिय सखा था मधुमंगल मधुमंगल ने कृष्ण को बोले बोले कृष्ण जानते हो ये सखा लोग तेरे को इतने प्यार क्यों करते हैं लड्डू कचौड़ी मालपुआ ये सब क्यों खिलाते हैं। बोले क्यों बोले तेरे को थोड़ी खिलाते हैं। बोले किसको खिलाते हैं बोले तेरा जो ये ड्रेस है ना
ये इतना अलबेले सा तेरा ड्रेस है, ये ड्रेस अगर तू मेरे को दे देना तो गोपियाँ कोई पूछेंगे नहीं, सारे लड्डू कचौड़ी मालपुआ मुझे मिलेगा। बोले ऐसे बात, बोले और क्या, बोले तू ले ले, बोले दे दे। अभी उन्होंने कृष्ण का सारे ड्रेस को उन्होंने मधुमंगल उन्होंने पहन लिया, मधुमंगल पहन करके अभी सखाओं के साथ में वहाँ पर गैया चरा रहे थे। इतने में जो कैसे दैत्य था, कृष्ण ने कैसे दैत्य को, कैसे दैत्य ने कहा महाराज कंस मेरे को एक मौका दिया जाए। बोले भैया सबके सब एक ही मौका लेकर कहीं कहीं अभी तो कोई वापस नहीं आए, पुतना अघास रूप तृणावर्त सकटास रूप कोई वापस नहीं आए, जो गया वो सो गया, कोई वापस अभी तक नहीं आए। बोले एक मौका केवल मुझे दिया जाए। अरे पहले बताओ ये कृष्ण देखने में कैसे। बोले मैंने भी सुना है वो पीताम्बर पहनता है, सर पर मयूर पंखा, मीठी मीठी बंसरी बजाते, मैंने भी सुना, अभी तक मैंने भी नहीं देखा। इसको कृष्ण कहते हैं। बोले ठीक है। इतने में कैसी दैत्य ने हीन हीन करते करते आ अपना खोर से धूल उड़ाते हुए आंधी तूफान इतने भयानक रूप धारण करते आया, आ करके देख रहा है कृष्ण कहाँ पर है। लेकिन उन्होंने कृष्ण का वर्णना सुन कर कहा है मरुपखा पीताम्बर हाथ में बंसुरी। लेकिन उसी समय इसको तो श्री मधुमंगल धारण किया था, उसने किया क्या, मधुमंगल को दुलात दुलती मारी, जब मारी शरीर में तो लगा नहीं, उसकी हवा से ही मधुमंगल उड़ करके धड़ांग करके गिरा। मधुमंगल ने कहा भैया ये ड्रेस तो बड़ा खतरा है, मैं सोच रहा था ये ड्रेस पहनने पर लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिलेगा तो मर जाता। बोले कन्हैया भैया हमें तो मिश्री मक्खन की जरूरत है, तू खा भैया, तू खा, तू अपना ड्रेस तू ले ले। फिर तो उन्होंने कृष्ण को ड्रेस दिया। अभी कैसी दैत्य सोच रहा है, मैं तो यही सोच रहा हूँ जिसने पुताना को पछाड़ दिया, अघासुर बकासुर और त्रिनावर्त सकटासुर को पछाड़ दिया, हवा से कैसे गिर जाएगा है। हाँ जब ड्रेस को बदला दिया पता चला भैया यही कृष्ण है। फिर तो कृष्ण को साथ में घमासान युद्ध हुई और कृष्ण अपना हाथ को उसको मुंह में ही घुसाड़ दी और उसका गला बंद हो गया, जैसे लोहे को जैसे गर्म करते हैं ऐसे कर दिया और गला बंद हो गया। गला बंद होते ही उसका दोनों आँख रसगुल्ला जैसे निकल आई और वहीं पर अपना प्राण को उन्होंने त्याग दे दिया। ब्रसी कैसी तीर्थ घाट की, ब्रसी कृष्ण कन्हैया लाल की, इसलिए उसको कहते ये कैसी तीर्थ घाट। इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी जीवों को सावधान करते हैं, बोले स्मरांग भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि। कहते भैया सावधान। बोले किस चीज की सावधान है। बोले खबरदार कभी मथुरा मत जाइयो हैं। बोले भैया मथुरा मत जाना, अभी तो मैं मथुरा में हूँ। बोले अगर मथुरा में चली जाना ना, वहाँ पर एक कैसी तीर्थ घाट में तो प्यार रखनी नहीं चाहिए। बोले ऑलरेडी तो मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ। बोले खड़े हो। बोले देखो उसको पास में एक भगवान गोविंद देव का मंदिर, वहाँ तक जानी नहीं चाहिए। बोले तो उसको सामने ही खड़ा हूँ। बोले भैया सावधान हो जाओ। बोले किस चीज़ की। बोले खबरदार उनको दर्शन मत किया करो हैं। बोले क्यों। बोले स्वरूप नयन हेरे केह नाही घरे फिरे, संसार जीवर जत है सर्वनाश। अगर एक बार उनको कोई दर्शन कर लेगा ना, उनका जो तेरी सी चितवर्णी वो तीर है, वो मीठी मीठी मुस्कराहट नहीं, वो तो जादू है हैं। इसलिए जो तीन जगह से टेढ़े है ना, अगर एक बार तुम्हारी दिल में बैठ गई तो फिर निकलेंगे नहीं वो हैं। इसलिए वो कहते हैं जिनको बंधु संगे थाके यदि रंग परिहास। अगर तुम्हारी ये घर गृहस्थी बिताना है, दोस्त यार पति पत्नी साथ में अगर रहना है, खबरदार ये मूर्ति को कभी गोविंद देव को दर्शन मत करो। अगर अब पति देखेगा ना पत्नी को भूल जाएगी, पत्नी देखेगा तो पति को भूल जाएगा, बच्चे देखेगा तो पिता माता को भूल जाएगा और पिता माता देखेंगे तो बच्चों को भूल जाएंगे हैं। इसलिए वो कैसे तीर्थ घाट में ही, इसका मतलब क्या है। श्री रूप गोस्वामी कहते भैया अगर एक बार ये जीवन को धन्य बनाना तो एक बार कृष्ण को देखो,
कृष्ण कितने मीठे, कितने सुंदर कृष्ण, एक बार तो कृष्ण को देख करके देखो कितने आनंद और कृष्ण भक्ति में कितने रस है, एक बार तो ठाकुर को दर्शन करो हैं। इसलिए वहीं पर हम क्या करते हैं, वहीं पर जाकर कैसे तीर्थ घाट में हम संकल्प करते हैं, क्यों कारण किया, एक बार अगर कृष्ण को दर्शन करेंगे तो माया के बंधन से हमें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए कार्तिक का पहला दिन आज कल गुरु जी को साथ में जा करके हम सब के सब यमुना नदी में वहाँ संकल्प करते थे, हे यमुना देवी अब हम सबको पर में कृपा करो, एक महीना जैसे ये ब्रजमंडल परिक्रमा है मेरे पूरी हो जाए। ब्रजमंडल परिक्रमा कितना है, बोले 84 क्रोस। कितना कह, ये ब्रजमंडल परिक्रमा का क्या महत्व है, बोले ये महत्व है हम भगवान को भूल करके अनादि काल से ये 84 लक्ष योनि में 14 ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। अगर कोई ये 84 ब्रजमंडल परिक्रमा कर ले, वैष्णव की अनुगत्य में जाए, वहाँ बैठे हरि कथा सुने और वहीं जमीन के ऊपर में लौट पौट उठाए, ब्रज रज को लगाए, तो उसका फिर ये 84 लक्ष योनि में उसको भ्रमण नहीं करना पड़ता है, उसको 84 लक्ष योनि से उसकी मुक्ति मिल जाती है। और भगवान का ये वरदान है, क्या वरदान है, अगर कोई वैष्णव के आनुगत्य में जाए, वहीं कथा सुने, वहाँ का लीला पर सुने, वहाँ का धूल शरीर पर लगाए, एक दिन उसका हृदय निर्मल हो जाएगा, हृदय में ठाकुर जी उसका हृदय में प्रकटित हो जाएंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले श्री हैं मंदिर में जा, ये किसी तीर्थ में वहाँ पर आचमन लेते हैं और आचमन करते हुए, लेकिन उसके उससे पहले मथुरा में जो विश्राम घाट हैं, पहले विश्राम घाट में, उससे पहले भी विश्राम घाट में हम यमुना में हम संकल्प लेते हैं, भले उसका नाम है विश्राम घाट। कौन कौन विश्राम घाट गए, मथुरा का विश्राम घाट इतना ही लोग गए, हाँ इसलिए उसका स्थान का नाम विश्राम घाट क्यों नाम पड़ा है, बोले कारण है जब कृष्णा उन्होंने कंस को वध किया, कंस को वध करने का बाद उनको वहाँ पर एक कंस खा रहे, उसको खींचते खींचते ले गए और एक ध्रुव घाट है वहीं पर उनको दाह संस्कार की, दाह संस्कार करके उन्होंने विश्राम घाट में कृष्ण बलराम स्नान किया। वहाँ पर एक स्थान है गतश्रम टीला, गतश्रम मतलब जहाँ पर उन्होंने अपना श्रम को गत श्रम को दूर किया है, इसलिए उस स्थान का नाम गतश्रम टीला बा विश्राम घाट। कहते अगर वो विश्राम घाट में कोई एक बार जाए, वहाँ पर आचमन ग्रहण करे, फिर उसको जीवन भर के लिए विश्राम मिल जाएगा, फिर उसको ये 84 लक्ष योनि में उसको भटकना नहीं पड़ेगा, इसलिए वो स्थान का ना विश्राम घाट। अभी भातृद्वितीय आएगा ना, उसमें भाई दूज आता है, ये वरदान है, स्वयं श्री यमुना देवी हैं, नियम है भैया को हाथ में राखी बांधना होता है, बहन राखी बांधते ना भैया को हाथ में, जब राखी बांधती हैं उसी दिन बहनी जो मांगती है ना उसको भाई को देना पड़ता है, इसलिए यमुना देवी ने भैया, उनका भैया कौन है, यम महाराज, भैया के हाथ में राखी बांधी बांधी तो तब यम महाराज बोले बहन आज तू जो कुछ मांगोगे मेरे से मांग लो, आज मैं सब कुछ तुमको दूंगा। बोले भैया अगर ये यम द्वितीया का दिन भाई बहन दोनों हाथ पकड़ करके अगर ये विश्राम घाट में कोई स्नान करे, मेरे को यही वरदान दो जैसे कभी उसको 84 लक्ष योनि में भटकना नहीं पड़ेगा, कभी तेरे जमपुरी कभी नहीं जाएंगे, तेरी जम लोग कभी नहीं जाएंगे, उनको अपना चरण में उसको भगवान के चरण में भक्ति मिले, संसार का बंधन से मुक्ति मिल जाए, उन्होंने ये वर मांगी और जम महाराज आशीर्वाद दिया है, उनका आशीर्वाद दिया, इसलिए वो विश्राम घाट की बड़ी महिमा विश्राम घाट की। इसलिए वहाँ पर 12 घाट है, बार बार 24 घाट है, हैं 24 घाट, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया द्वारावती, ये जितने सारे सबके सब पूरी सबके सब वहाँ 24 घाट है, सबके सब वहाँ पर आ करके भगवान की शरण में
राधा गोविंद के चरण में वहीं पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, हमारी जीवन धन्य हो जाए, हैं हमारी जीवन धन्य हो जाए। वहाँ पर 12 घाट और बार बार 24 घाट वहाँ पर सबके सब, इसलिए वहाँ जा कर के आचमन लेने से कहते उनको उनको भव बंधन से मुक्ति होकर के विश्राम उसको चिरकाल के लिए उसकी ठाकुर की चरण में उसको विश्राम मिल जाती है। इसलिए आप लोग सभी अपना मन मन में क्या करो, विश्राम घाट में आचमन लो। आप सब मेरे साथ में बोलो, बोले गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु नमो अपवित्र पवित्रवा सर्वावस्थां गतोऽपि वा जह स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तर शुचिः। इसलिए जब मन मन में जो यमुना पानी को अपना सर पर छिड़काओ, जैसे आज हम लोगों ने यमुना में संकल्प लिया। अब मेरे पीछे बोलो, हाँ क्या जो स्वस्ति वासन पढ़ते हैं, अरे नहीं, हाँ ओम स्वस्ति न गोविंद स्वस्ति न अच्युतानंत स्वस्ति न वासुदेव विष्णुर दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेश महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर दधातु लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव जेषां इंदिवरस्याम हृदयस्थो जनार्दन माधव माधव वाची माधव माधव हृदि स्मरन्ति साधवा सर्वे सर्वकार्येषु माधवं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए सबके सब मन मन में प्रार्थना करो। हम लोग बड़ोस्त में यहीं पर रहते हुए मानसिक रूप में सारे ब्रजमंडल की कथा सुनेंगे, मानसिक रूप में ब्रजमंडल की परिक्रमा करेंगे, जैसे निर्विघ्न रूप में हमारी परिक्रमा पूरी हो जाए। बोले श्री यमुना महारानी की जय। इसलिए वहाँ से आचमन लेकर के फिर वहाँ पर एक शंकर जी, चार शंकर वहाँ पर, गोकर्णेश्वर पिपल मोचन हैं रंगेश्वर, वहाँ पर चार शंकर। इसलिए जो शंकर जी और वहाँ पर भूतेश्वर महादेव हैं, चारी तरफ में पूरा ब्रजमंडल में 12 शंकर है और मथुरा में तो 4 शंकर जी हैं। पूरा जैसे धाम में ठाकुर जी लीला करते हैं, ठाकुर को लीला में कोई व्याघ्रत नहीं होनी चाहिए, इसलिए शंकर जी वहाँ पर द्वारपाल रूप में क्षेत्रपाल रूप में श्री शंकर जी वहाँ पर बैठे हैं। इसलिए वहाँ पर श्री रंगेश्वर महादेव, उनका नाम रंगेश्वर महादेव क्यों नाम पड़ा, बोले कारण है वहीं पर कंस का रंगस्थल था है। जिस समय कृष्ण बलराम मथुरापुरी में आए, कंस सोच रहा था इनको किसी तरह से मार डालूंगा। पहले तो उन्होंने कुबले हाथी को रख लिया, बोले पहले तो इससे बचे, लेकिन कृष्ण देखते देखते कुबले हाथी को उन्होंने पछाड़ दिया। उसको बाद में जब पछाड़ दिया कुबले हाथी को, उसको बाद में उन्होंने जब कुछ नहीं कर पाए, फिर उन्होंने जा करके जो धनुष था परशुराम का, जो धनुष था शिव धनुष को कृष्ण तोड़ दिए। जब शिव धनुष को तोड़ दिए कृष्ण बलराम, इतने जोर से आवाज हुई, कंस ने कहा इतने जोर से आवाज कहाँ से हुआ। दूत ने आकर के बताए, बोले महाराज जी जो कृष्ण बलराम और जो शिव धनुष को उन्होंने तोड़ दिए वहाँ पर, इतने में कंस को याद आया ये परशुराम से उन्होंने ये धनुष को उन्होंने प्राप्त किया था। जब पर श्री कंस सब जगह पर जा करके लड़ाई किया,
सबको उनने परास्त किया। उनने परशुराम पास में भी पहुंचा, बोले मेरे साथ में दो हाथ कर लो। परशुराम ने कहा मेरे साथ में युद्ध क्या करेगे, लो मेरे धनुष को उठा करके तू दिखा दे, मेरे धनुष को तू उठा पाते कि नहीं। सचमुच से कंस इतने पहलवान था, उन्होंने परशुराम का धनुष को उठा दिया। समझ गए, बोले बाबा ये तो बड़ा बलवान है। बोले ठीक है, ये धनुष मैं तेरे को देता हूँ, लेकिन याद रखना ये धनुष को कोई तोड़ नहीं सकते हैं, और जो तोड़ेगा ना तेरे को छोड़ नहीं सकता है, ये चीज़ को याद रख ले। हैं, इतने में वो धनुष को बड़े उन्होंने सावधानी पूर्वक धनुष को रखते थे। हैं, इसलिए जिसमें 400 व्यक्ति एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पर ले जाते थे, लेकिन कृष्ण देखते देखते धनुष को उठाए, जब प्रतंचा चढ़ाए तो धनुष दो टुकड़े हो गए। इतने में कंस को जब पता चला, उसको याद आया परशुराम ने कहा था धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता। बोले हे भगवान, ये नारद बड़े बदमाशी है, कहाँ कृष्ण रह रहे थे वृंदावन में, भैया वहीं पर जो कुछ करना कर रहे थे, और श्री नारद जी बोले कृष्ण बलराम को बुलाओ, जैसे तुमने एक एक दैत्य को भेजते रहा और कृष्ण बलराम मारते रहे, अभी तेरे पास में तो 8 भाई कुबले हाथी चार नो मुष्टि सल तोसल सब यहीं पर मिल करके मारेंगे, मैंने ये काल को जानबूझ कर क्यों बुला दिया। ये नारद बड़ा बदमाशी है, हैं, ये जानबूझ कर मैंने काल को बुला लिया, अभी रात भर कंस को नींद नहीं आई, हैं, नींद नहीं आई कंस को, जब सोया उसने स्वप्न देखा, सारा शरीर तेल से लथपथ, इस मृत्यु का लक्षण है, तेल से लथपथ है, और जब उसने अपना शीशा में रूप देखता है ना, उसका शरीर नहीं दिखता है, जब चलता है उसका शरीर में छेद दिखता है, स्वप्न देखा भैंस के ऊपर बैठ करके दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, मतलब जमपुरी जा रहा हूँ, भयंकर उसने स्वप्न देखा, रात भर उसकी नींद नहीं आई, और उसने बोले कल कृष्ण बलराम के साथ में मल्ल युद्ध होगा, चारणों मुष्टि को साथ में, और मेरे लिए एक ऊंचा सिंहासन बनाओ, हैं, ऊंचा सिंहासन बनाओ, जैसे कृष्ण बलराम मेरे पास में पहुंच नहीं सकते हैं। इतने में कृष्ण बलराम जब आए, कृष्णा, इसलिए उसका नाम रंगेश्वर महादेव क्यों नाम पड़ा है, इसलिए वहाँ पर रंग हुआ था कृष्ण बलराम के साथ में। जब उन्होंने कृष्ण बलराम प्रवेश किया, जा की रही भावना जैसी, हरि मूरत दिखितनी तैसी, एक साथ में कृष्ण का शरीर में द्वादश रस प्रकट हुआ। बोले मल्ला नाम असन नृणाम, हैं, इसलिए जितना राजा लोग देख रहे थे ना, बोले बाबा रे ये तो बड़ा पहलवान है, जितने ऋषि लोग थे देख रहे थे ये परतत्व है, कंस क्या देख रहा था ये तो काल है, ये चारणों मुष्टि को क्या देख रहे थे, बोले बाबा ये तो वज्र जैसे हैं, जो वृद्धा स्थानीय जो पिता माता वो देख रहे थे, क्या देख रहे थे, यानी कहा तो दूध का दांत भी नहीं टूटा है, जो स्त्रियां देख रही थी ये तो साक्षात कामदेव है, ये साक्षात कामदेव। और वहीं पर उन्होंने कहते हैं कंस ने कहा ये चारण मुष्टि को साथ में तुम्हारी मल्ल युद्ध होगा, कृष्ण ने कहा मल्ल युद्ध नियम है, अपना बराबर को साथ में होनी चाहिए, अभी तो कृष्ण केवल 11 साल के हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, सुंदर सुकोमल बच्चे कृष्ण बलराम, अरे चारणों मुष्टि पहाड़ जैसे अपना शरीर उन्होंने बनाया, वज्र जैसे दिख रहे थे, भयंकर रूप था। बोले भैया बराबर को साथ में मल्ल युद्ध होता है। इतने में कंस ने कहा अभी तो देखते देखते अभी तुमने कुबले हाथी को पछाड़ डाला, और जिसने अघासुर बकासुर त्रिणामर्त को पछाड़ डाला, कल तू बलिनाम बलि, तू तो बलि में बलि बलि है, तुमको तो युद्ध करना ही पड़ेगा। कृष्ण बलराम बोले भैया अगर जोर जबरदस्ती करोगे फिर तो बचाना पड़ेगा, हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा। है, देखते देखते कृष्ण बलराम कूद पड़े, हैं, एकदम वहाँ पर जो महफिल था मैदान था, और साल चारण और मुष्टि को साथ में बलदेव प्रभु और चारणों को साथ में कृष्ण, एक क्या वहाँ मल्ल युद्ध हो रहा था, छाती में छाती बाहु में बाहु, कैसे क्या अद्भुत, उनको साथ में कृष्ण बलराम युद्ध कर रहे थे, और युद्ध करते करते सारा दुनिया लोगों को निंदा कर रहे थे, बोले ये दूध दांत भी जिनका टूटा नहीं, इतने छोटे बच्चों को साथ में ये पहाड़ जैसे बलवान, सबके सब निंदा कर रहे थे, लेकिन
भगवान को सामने कौन टिक सकता है। हे कृष्ण ने पकड़ा है, पकड़ लिया, चारणों को पकड़ लिया, पकड़ करके धोबी पछाड़, धोबी पछाड़ जानते हो, धोबी कपड़ा को कैसे साफ करता है, ऐसे पकड़ करे ना, हे ऐसे करके एक धोबी पछाड़ मारे तो वहीं पर चारणों को खत्म। बलदेव प्रभु ने कहा भैया तेरा नाम क्या, बोले मुष्टिक, बोले मुष्टिक। बलदेव प्रभु उठाया बलदेव प्रभु अपना हाथ, एक मुष्टिक का हाथ मारे सर पर, एकदम उनकी छका छुड़ा दिए हैं। फिर जब देखते देखते वहां पर साल तोसल थे, साल तोसल भी कूद पड़े, उनको भी देखते देखते वहीं पर उनने पछाड़ दिया। और जितने वहां पर पहलवान थे ना, बोले भैया हमारा जो खलीफा था हैं, जब यही चले गए भैया फिर हम क्या करेंगे, अगर भाग चलते हैं कहीं हम चौकीदार करके पेट पाल लेंगे। वहां से भाग गए जी जान लेकर के। कंस तो देख देख करके बोले बाबा रे, इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने पहलवान। कंस बोल रहा था बैठ बैठ उच्च सिंहासन के ऊपर में हैं, इतने ऊंचे में बैठा हुआ था जैसे कोई उसको पास में नहीं आ सके। वो बोल रहा था देवकी वसुदेव को मार डालो, नंद बाबा को जेल में बंद करो, ये बच्चों को जेल में बंद करो, कृष्ण बलराम को बंदी बनाओ। बोले मामा जी, बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठी बैठी करके हाथ हिला हिला करके बात कर रहे हो। हे कृष्ण एक छलांग लगाए और मामा को पास में सीधा पहुंच गए। कौन से देखा किया, ये कैसे आ गया, हम तो इतने ऊंचा सिंहासन में बैठा। इतने में कृष्ण ने पकड़ लिया उसको छोटी मोटी को। बोले क्यों मामा जी, एक दिन आप मेरे माँ को छोटी पकड़े थे ना, जो स्त्रियों को अपमान करते हैं उनको मैं दंड देने के लिए मैं आ गया। एक एक पकड़ गए, एक झाक झोर, एक झटका मारते एकदम नीचे गिरा दिया। और देखते देखते कृष्ण उसको ऊपर गिरे और वहीं पर खत्म कर दिए। इसलिए वहाँ पर जो शंकर जी है उनका नाम रंगेश्वर। रंगेश्वर नाम क्यों पड़ा, वहाँ पर कृष्ण बलराम का वहीं पर रंग हुआ था, वहीं पर उन्होंने रंग किया था है, इसलिए उस स्थान का नाम रंगेश्वर। और शंकर जी का नाम भी श्री रंगेश्वर महादेव। बोले श्री रंगेश्वर महादेव की, क्योंकि ये शंकर जी की कृपा होगा ना, फिर तो हम ब्रजमंडल में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि शंकर जी को ही भगवान, शंकर जब गोपी बन करके प्रभु का रास में आए, कृष्ण ने कहा था भोले बाबा आज से यहाँ के द्वारपाल आप हो, अगर मेरे धाम में कोई आएगा, इसलिए वहाँ पर और एक शंकर भूतेश्वर वहाँ पर जाना ही पड़ता है। क्यों, जब तक उनकी आदेश नहीं होना शंकर जी की, आप उसका अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते ब्रज में। चौकीदार वही पर है ना, चौकीदार के बगैर आप थोड़ी अंदर में जा सकते हो। इसलिए आप सबके सब श्री भूतेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव, कपाल मोचन और श्री गोकर्णेश्वर महादेव, पीपल मोचन महादेव को हम सबके सब प्रणाम करते हैं। बोले श्री भोले बाबा की, बोले श्री भूतेश्वर महादेव की। हाँ, इनसे प्रार्थना करो जैसे हम ब्रजमंडल में प्रवेश कर सके और सुष्ट रूप में ब्रजमंडल परिक्रमा को हम कर सके। इसलिए कल ये सब चीज को भक्त लोगों ने दर्शन किया, आज भी कुछ कुछ स्थान पर वहाँ पर श्री अंबर सिंह टीला है, जहाँ पर अंबर सिंह महाराज अपना पत्नी को साथ में आकर के उन्होंने एक साल तक रह करके एकादशी व्रत पालन किया। वहीं पर ध्रुव टीला है, जहाँ पर श्री ध्रुव महाराज ने तपस्या करके आचमन करके जमुना में जहाँ पर भजन करते थे, वहीं पर ध्रुव घाट भी वहीं पर सबके सब। इसलिए आज भक्त लोगों ने ये सारी चीज को भक्त लोगों ने दर्शन किया, हम लोग यही बैठी बैठी करके सारे स्थान को हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। इसलिए हम लोग आज से जहाँ पर ये लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, हम यहीं पर बैठी बैठी करके मानसिक रूप में सारे लीला स्थलियों को दर्शन करेंगे। इसलिए आज हम चाहते हैं श्री वृंदावन धाम की इतना महिमा क्यों, वृंदावन है क्या चीज है, इसलिए ये वृंदावन धाम की परिक्रमा की क्या महत्व है वृंदावन के संबंध में, आज हम लोग थोड़ी 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 रोज रोज कथा सुनेंगे। हमारे श्री नवीन प्रभु जी आप दरअसल राहुल, हाँ कहते उसको मेरे सोच, आज थोड़ी सी बोलो कि वृंदावन के बारे में थोड़ी सी बोलो, उसके बाद चिराग बोलेगा। फटाफट खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जितना याद पुस्तक लेने का जरूरत, जितना याद मन मन में जितना याद उतना बोलो, कोई चिंता नहीं, जो याद है वही बोलो, कोई बात तुम बोल सकते हो बच्चा, नहीं ब्रजमंडल परिक्रमा ग्रंथ देख कर ना फिर बोल सकते हो। हरि बोल,
ओम अज्ञात ब्रह्म श्री ज्ञान चंचलाभ्य चक्षु नमो विष्णु पादाय कृष्ण ज्यादा वंदना मत कर एक एक श्लोक और है इस संजीत इसको उधर करता हूं इसको प्रातः स्मरण ऐसे छोड़ा मन ओम विष्णु पादाय कृष्ण श्री श्रीमद् भक्तिमा श्री रक्षा प्रभु महाराज श्री चरणों सांसारिक नहीं मुझे लगता है इसको इसको निकालना पड़ेगा गुरुदेव के आदेश का पालन कर सकूं तथा उनके द्वारा बताई हुई शिक्षाओं को दोबारा सुन सकूं। हरे कृष्ण। गुरुदेव का आदेश हुआ है कि आज से ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू हो गई है और उसमें गुरुदेव ने भी बताया कि सर्वप्रथम हम यमुना जी का संकल्प करते हैं। यमुना महारानी की बहुत महिमा गुरुदेव ने पहले भी बता चुके हैं कि गंगा जी से 100 गुण ज्यादा यमुना जी की महिमा है। वे यमुना महारानी श्री वृंदावन धाम को 3 तरफ से घेरे हुए यमुना महारानी वृंदा वो वृंदावन धाम स्वयं वैकुंठ लोक से वो गोलोक धाम से ही प्रकट हुआ है। उन्हीं का ही एक जैसे शीशा होता है ना शीशा, शीशे के सामने हम देखते हैं तो हमें अपनी परछाई दिखाई देती है, तो उसी गोलोक धाम की परछाई ही ये वृंदावन धाम है। जैसे वस्ते वहां पर आप प्रकट वस्ते हैं वही सब यहाँ पे है। वे वृंदा देवी के नाम से ही ये वृंदावन धाम हुआ है। वे वृंदा देवी कौन है? वे वृंदा देवी राधा रानी का ही एक प्रकाश है जिन जो उस वृंदावन की अधिष्ठात्री रक्षात्री पालनकर्ती सब कुछ हुई है। हमने राधा रानी के मंत्र पढ़ते हैं ना, तब कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुष निधि ब्रह्मांगीर भीर, तो वे वृंदावनेश्वरी यही है। और जो वृंदा देवी है उन्होंने उस अप्रकट वृंदावन धाम को राधा रानी की सेवा के लिए उनकी राजस्थिति के लिए उनके श्री चरणों में उन्होंने अर्पित किया है, तो उन वृंदा देवी के नाम पर ही इनका नाम इस धाम का नाम वृंदावन हुआ है। ये वृंदावन धाम कोई सामान्य धाम नहीं है। इसकी इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान इस तरह धाम पर आए, उन्होंने पूरे जगत को छोड़कर सिर्फ उस वृंदावन धाम को ही चुना। वही इनकी राज स्थली है, वहाँ पे उनके चरण चिन्ह हैं, उनके द्वारा उनकी जो सबसे प्रियतम सखाएं वो गोपी वहीं पर है, वे सब है। इसमें जब श्रीमद भागवतम में एक वो व्याख्यान है जब कंस ने गोकुल में बहुत सारे गुरुदेव ने बताया भी अकासुर बकासुर त्रिनावत को भेजकर वहां पर सबका जीना आराम कर दिया। सब रोज न रोज सुबह सुबह होते ही गिफ्ट ठाकुर जी के लिए कंस वहां भेज देते थे, कभी किसी को कभी किसी को, तो वहां के लोग बहुत दुखी हो चुके थे। जो नंद बाबा के मंत्री और उनके ज्येष्ठ भ्राता हुए थे उपानंद महाराज, वे एक दिन कहने लगे कि महाराज यहाँ पर अब हम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, यहाँ रोज कुछ ना कुछ अब आपत्ति आने लगी है, तो इसलिए हम सबके लिए यही उचित होगा कि हम इसे छोड़कर अब वृंदावन में जाकर रहने वाले। तो उस समय उपानंद जी ने नंद बाबा को वृंदावन धाम की बहुत सारी महिमा बताई जो मुझे याद नहीं थोड़ी सी है, पर उन्होंने इतनी सारी महिमा बताई कि वृंदावन धाम ही एक ऐसा स्थान है जहाँ हम सब लोग सुरक्षित रह सकते हैं और हमारे किसी भी प्रकार के वहाँ पर रहने के लिए असुविधा नहीं होगी। एक दूसरी कथा भी गुरुदेव एक सुनाते हैं कि एक समय की बात है, नारद जी भ्रमण करते हुए अपनी वीणा पर भगवान का नाम सुमरण करते करते घूमते हुए प्रयागराज पहुंचे, और प्रयागराज पहुंचे तो प्रयागराज जी ने उनका बहुत सुंदर ही स्वागत किया, सत्कार किया, उनको मान सम्मान किया, उनको बैठाया, क्योंकि वे तो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। जब बैठाया ये सब बात हो गई तो जब प्रयागराज जी ने फिर उनको अपनी कथा बनाई कि मैं प्रयागराज तीर्थ कैसे बना, मतलब कि सब राजाओं का तीर्थ कैसे बना। तो ये बात जब उनके दोनों में बात हुई तो नारद जी कहने लगे, ये सब बात तो ठीक है मैंने सुन भी ली, पर क्या बताओ क्या कभी वृंदावन भी तुम्हारे यहाँ पर कुछ कर देने आया है, भेंट देने आया है? उन्होंने कहने लगे नहीं। देखो फिर तुम कहे के तीर्थराज हो, ये बात उनको चुप गई। हाँ भी ये बात तो सत्य कह रहे हो,
अब नारद जी तो है कि भगवान की लीला विस्तार करने वाले जगह जगह जाकर उन्हें लगाते रहे, फिर भगवान को अपनी लीला करनी पड़े, तो उन्होंने बता दी। अब उनका दिमाग तो खटक गया, जब रह गया तो उनको जब बोले कि उनका स्वागत करके उनको उन्होंने भेज दिया, चले गए। उसके बाद फिर प्रयागराज भगवान जी के पास गए। भगवान जी के पास गए तो भगवान ने उनका ये यथोचित सत्कार कर पूछा कि बताइए आपका किस किस आयोजन से आगमन हुआ है। तो उन्होंने बताया, प्रभु आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है, ये आपकी कृपा है, पर आप मैं एक बात से देता हूँ कि एक वृंदावन तीर्थ है वो मेरे यहाँ कभी नहीं आता मुझे भेंट देने के लिए, तो फिर आपने मुझे किस चीज का राजा बनाया, आप मुझे इस पद से हटा दीजिए। तो जब भगवान ने वृंदावन का नाम सुना तो वे एक सेकंड के लिए, क्षण भर के लिए चुप हो गए और अपने मन में सोचने लगे, क्योंकि उनको ब्रजधाम का स्मरण हो आया, उनको अपनी गोवर्धन, यमुना कुलीन, गोपी, नंद बाबा, यशोदा माँ, बहुत सारी जितनी भी उन्होंने वहां लीला कही उन सबका स्मरण आया और उनकी आंखें नम हो गई। ये सब प्रयागराज खड़े देख रहे थे कि भगवान ये सब क्या हुआ, मैंने क्या कुछ गलत कहा। तो फिर भगवान तुम्हारे कहने लगे कि ये बात सत्य है कि मैंने तुम्हें सब तीर्थों का राजा बनाया है, पर मैंने तुम्हें अपने घर का राजा नहीं बनाया है। तो भगवान यहाँ पर श्रीमद् ग्रंथ में बिल्कुल प्रमाणित करते हैं कि जो वृंदावन धाम है वो स्वयं भगवान का घर है, वहां पे स्वयं भगवान साक्षात आज भी विराजमान करते हैं, इसलिए इस वृंदावन धाम की इतनी महिमा है। अगर हम ऐसा कहते हैं कि वृंदावन ही भगवान का साक्षात स्वरूप है तो इसमें वृंदावन धाम की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगवान में और उनके धाम में ये दोनों अभिन्न, एक इनका एक ही स्वरूप है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। इसमें और पंचना शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण किए जाए, जैसे अभी गुरुदेव बता रहे थे कि रंगशाला में जितने भी महान लोग थे तो सबको भगवान जिस तरह से सब सबके स्वभाव थे उन सबको भगवान इस प्रकार दिखाई दे रहे थे। कंस को अपना काल दिखाई दे रहा था, चारुमोष्टि को भी अपने काल दिखाई दे रहे थे, जो वहाँ पे बुढ़िया थी उनको वो बच्चे के रूप में दिखाई दे रहे थे, गोपी थी उनको वे बालसखा के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो जो वो गोपियाँ बैठ के आपस में बातें कर रही थी कि हम कितने बड़े सौभाग्यवान हैं कि हमें स्वयं साक्षात परमेश्वर परमब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की ये सब लीलाएं यहाँ ब्रजधाम में देखने को मिल रही हैं, ये उस पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। उनके चरण चिन्ह, उनकी गोपी के साथ यमुना के किनारे जो रास लीलाएं हैं वे सब देखने को मिल रही है। इसमें और भी आगे प्रमाण मिलते हैं कि जब लक्ष्मी जी भगवान से रास में जाने के लिए बात करती है तो भगवान कहते हैं कि रास में प्रवेश राशेश्वरी जो ब्रजभवानी राधा रानी है इनके आगे के बिना नहीं मिल सकता, बल्कि जबकि ब्रज राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण है परंतु जो उसकी मालकिन है वे राशेश्वरी राधा रानी है, क्योंकि वे ही वृंदावेश्वरी है, उनके बिना आप उनको वृंदावन उसमें रास वृंदावन में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए कौन से वन में बेल वन में लक्ष्मी जी अभी तपस्या करी है वृंदावन में घुसने के लिए। ये वृंदावन चिन्ह धाम है, इसको साधारण हमें अप्राकृत नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पर गंदगी है इस तरह से भुने, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि डाल डाल हुए पाक पाक पर श्री राधे राधे हुई, क्योंकि वहाँ की हर कण कण में वहाँ पे भगवान का नाम स्वयं श्रीमती राधा रानी विराजमान है। जनार्दन प्रभु जी, ओ जनार्दन, कहाँ गए? जनार्दन प्रभु जल्दी आइए, हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मये श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्रीपाद श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्रीपाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ।
श्रीमद् गौरांग महाप्रभु प्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो, यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। श्री वृंदावन की दिव्य महिमा, अपार महिमा, जिसके विषय में कोई क्या कह सकता है। श्री वृंदावन क्या है? श्री राधे हृदि ते रसेन जड़िमा स्वच्छंद वृंदावन। श्री राधा रानी का हृदय ही श्री धाम वृंदावन है। ये वृंदावन साधारण नहीं है, ना ब्रह्मा जी से ये प्रकट हुआ है। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, वृंदावन 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 वृंदावन, कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत, कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत, हर्षित सबको गात, वृंदावन 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 वृंदावन। ब्रह्मा से उपजो ना खंडित, ब्रह्मा से उपजो ना खंडित, वैभव अति सुख जात, वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन। दिव्य वृंदावन महाराज, यहाँ की रज भी साधारण नहीं है। जब श्री राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे के साथ दिव्य महाराज एकत्रित होकर के 3.5 छेद वंशी के श्री राधा रानी के पास, 3.5 छेद श्री गोविंद के पास जब दिव्य स्वरूप से जब विचरण करते हैं उस दिव्य रस पर, तो महाराज श्री राधा रानी की कटी और श्री कृष्ण की कटी जब उसका दिव्य वर्षण होता है, मार्जन होता है, तब उसके उस रूप से उस दिव्य मार्जन से जिस ब्रह्म चूर्ण का उदय होता है, वही श्री वृंदावन की दिव्य रज है। साधारण नहीं है ये महाराज दिव्य वृंदावन। महाराज ऐसे दिव्य वृंदावन को बार बार प्रणाम करते हैं। यह दिव्य यह श्री धाम वृंदावन साक्षात वृंदायास्वरम, श्री राधा रानी का ही दिव्य मन श्री धाम वृंदावन है। महाराज श्री राधा रानी एवं श्री गोविंद ये दोनों ही युगल रूप रस के ही करने के लिए श्री धाम वृंदावन को प्रकट किया है इन्होंने। भैया एक ये भगवान दिव्य लीला कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? श्रीमन महाप्रभु के आने के अनेक कारण हैं, लेकिन उनके आने की प्रातभूमिका भी अनेक कारणों से बनी है। दिव्य दिव्य कारण दिव्य दिव्य संतों और आचार्यों के द्वारा प्रस्फुटित हुए हैं। एक बार जब श्री गोविंद गोचारण करने के लिए श्री नंदमहल से बाहर जाते हैं, और जाने के बाद जब गोचारण करके शाम की बेला में वापस आते हैं, तो महाराज वापस आते हुए गायों के झुंड के बीच में जब गायों के दिव्य महाराज चरणों के खुरों से उदयित हुई रज से श्री गोविंद का दिव्य श्रृंगार होता है, तो श्री गोविंद ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे महाराज गायों के बीच में छोटा बछड़ा चल रहा हो, और महाराज दिव्य रसकेली करते हुए रस से श्री माधव पर जब पहुंचते हैं, तो आकाश से ऊपर अट्टालिकाओं के गवाक्षों और झरोकों से गोपियां देख रही हैं कि कब श्री कृष्ण आवे, कब श्री कृष्ण आवे, कब श्री कृष्ण आवे। लेकिन जब श्री गोविंद गायों के झुंडों के मध्य दिव्य महाराज गायों की रज से गायों के खुरों से उद्वैत हुई रज से शोभायमान होकर के जब आ जाते हैं, तो गोपियां पहचान नहीं पाती हैं, और श्री गोविंद महाराज नंद महल के द्वार पे पहुंच जाते हैं, और इतने में श्री मैया यशोदा आरती का थाल लेकर के श्री गोविंद की दिव्य आरती करती हुई महाराज प्रस्तुत होती हैं, और महाराज जैसे आरती के बाद श्री गोविंद को अपनी गोदी में लेकर के कोने में नंद महल के बैठ करके अपनी साड़ी के कोने के अंचल से श्री गोविंद के दिव्य मुखारविंद को साफ करती हैं, और जो रज महाराज निकलती है उसको कोने में झाड़ देती हैं। श्री राधा रानी के दिव्य महाराज रोमावलियां साक्षात चीटी बनकर के नंद महल में प्रवेश करती हैं, और वो जो रजकर्णिका है उसको अपने पैरों से उठा देती हैं और नंद महल के बाहर निकलती हैं। जब श्री राधा रानी के दिव्य लहंगे को हिला करके मलयाचल भवन का उदयन होता है, तब जाकर के वो चीटियों के पैरों में पड़ी हुई रज महाराज उससे छूट करके जब गोपियां महाराज जब वो छूट
छूट जाती है और जब सारी की सारी गोपियां श्री कृष्ण विरह में दिव्य ताप से महाराज रुदन करती हैं और ऐसा दिव्य सांस लेती हैं कि वह रजकरणी का उनके श्वास में प्रवेश करके उनके नासापुटों में प्रवेश करके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम की विरह अग्नि को धड़का देती है। इसी से श्रीमन महाप्रभु के आने की एक प्रादुर्भूमिका पैदा होती है। ये दिव्य श्रीधाम वृंदावन महाराज जब श्री श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा रानी और श्री गोविंद चलते हैं तो श्री राधा रानी आगे आगे और श्री गोविंद पीछे पीछे। महाराज श्री गोविंद श्री राधा रानी के दिव्य दर्शनों को लालायित होकर के जब चलते हैं तो महाराज पीछे आगे आगे श्री राधा रानी पीछे पीछे श्री गोविंद चलते हैं। कालिंदी तटकुंज मंदिर योगिंद्र वक्य पदम ज्योति किमन परा सदा जपतेयाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि केलाद्भुत रति सानंदेन सम्मोहिता साराधीति हृदय सदा जपतेयाम विद्या पराधिक्षरा। महाराज जब चलती हैं तो चलते चलते श्री गोविंद जब दिव्य विरह का आस्वादन करते हैं वृंदावन की दिव्य वीतियों में कि श्री राधा रानी कृपा करो कृपा करो, तब महाराज श्री राधा रानी के जो चरण छाप पड़ती हैं ब्रज की वृंदावन की रज पे, यदि भूल से श्री गोविंद के चरण उस चरण छाप पे पड़ जाते हैं तो महाराज श्री गोविंद को दिव्य मूर्छा आ जाती है। ऐसे दिव्य श्रीधाम वृंदावन की दिव्य महाराज रस का दिव्य प्रवाह होता है। ये जो पराविद्या का निरूपण जो पराविद्या है श्रीधाम वृंदावन की वो कहां से उदय हुई है, महाराज सरस्वती का आविर्भाव कहां से हुआ है, जब श्री राक्षस श्री गोविंद श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा रानी का स्मरण करते हैं तो उनके स्मरण से दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है। कालिंदी तटकुंज मंदिर योगिंद्र वक्य पदम ज्योति गिवन सदा जपतेयाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि केलाद्भुत रति रसानंदेन सम्मोहिता साराधीति सदा हृदय जपतेयाम विद्या पराधिक्षरा लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण रसलीला किशोरी सदै राराध्यं ब्रज मंडलेति मधुरं राधा विधानं परम ज्योति किंचन सिंचन दुज रस प्राद्भाव आविर्गवत यह राधे चेतसि भूरि भाग्य विभय कस्य पहुंचभ्यते। महाराज जब उनका स्मरण करते हैं तो जिस दिव्य शक्ति का उदय होता है वही पराविद्या है। दिव्य श्री राधा रानी और श्री गोविंद महाराज वृंदावन जैसा वृंदावन ही हो सकता है। वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव, महाराज वंशी वट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। चलो सखी उस देश में जहां बसे ब्रजराज और गौरस बेचत हरि मिले तो सखी एक पंथ दो काज। श्री वृंदावन ही ऐसी दिव्य शोभा है। एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही है सुन सखी कौतुक मेकम नंद निकेत अंगणे मया दृष्ट्वा गोधूलि धूसरि तंगम नृत्यति वेदांत सिद्धांत। सुन सखी मैंने नंद के श्री नंद महाराज के आंगन में पर ब्रह्म को महाराज वेद के सिद्धांत प्रतिपाद्य को बाल रूप में खेलते हुए देखा है। ऐसे दिव्य श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में दिव्य महाराज अपनी लीलाओं को महाराज करते हैं। ऐसा दिव्य प्रेम श्री राधा माधव की दिव्य महाराज उज्ज्वल रस से प्रवाहित होता है। इसी कारण से तो श्री गोपी गोपेश्वर वन के श्री महादेव आए हैं। बन गए शंकर नरते नारी बन गए शंकर नरते नारी ऐसो युगल प्रेम फंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे वृंदावन की आज पहले दिवस की परिक्रमा श्री महाराज जी के मुखारविंद से मानसिक परिक्रमा करते हुए हम सब कृतार्थ हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वांछा करते हुए वैष्णव के पास हम जुड़े हैं। पतिता नाम पावन भयो वैष्णव
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम है। उसके उपरांत उपस्थित समस्त ब्रह्मचारीगण एवं वैष्णव वैष्णवों के कोटि कोटि दंड प्रणाम है। आज श्री वृंदावन की सुंदर परिक्रमा और जहां जहां परिक्रमा जाती है वहां वहां महाराज जी के अनुगत्य में हम सब उस क्षेत्र का उस लीला स्थलियों का दर्शन कर रहे हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय। एक बार यहां पर वृंदावन में श्री नारद जी जब आए तो यहां पर भक्ति देवी जो सब जगह वृद्धावस्था को प्राप्त हो चली थी और उनके पुत्र जो है वैराग्य और ज्ञान दोनों वृद्धावस्था थे, पूरी तरह से जर्जर अवस्था में आ चुके थे, वो यहां आई तो वो तो वृंदावन की धूलि में एकदम से अभिषिक्त होकर के पुनः यौवनावस्था को प्राप्त हो गई, परंतु ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो पाए। तो नारद जी ने यही कहा कि यत्र तत्र यहां पर जहां कहां पर भी भक्ति नृत्य करती है यहां पर जो है यौवनावस्था में हमेशा भक्ति विराजमान रहती है, तो भक्ति देवी आप अपने पुनः स्वरूप में इसलिए अवस्थित हो गई। बोलो भक्ति देवी की जय, वृंदा देवी की जय। यहां वृंदावन में अभी महाराज श्री ने बताया कि केशी घाट में हम लोग जाकर के सुंदर आचमन इत्यादि करते हैं, संकल्प करते हैं। उसके उपरांत जो है पास में ही एक श्रृंगार भट्ट है। श्रृंगार भट्ट में जब रासलीला हो रही थी तो राधा रानी ने देखा कि सब जो है गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ जो है आनंद से नृत्य कर रही हैं, आनंद से वार्तालाप कर रही हैं, अंग संग कर रही हैं, और राधा रानी को देख करके वो जिस प्रकार से सोचती थी कि ये हमारी अधीश्वरी हैं, ईश्वरी हैं, अब यहां उन्हें अभिमान हो चला है कि ये राधा रानी की तरह ही हम भी हैं। जबकि राधा रानी की काय व्यूह है, ये राधा रानी सुमेरु पर्वत के समान और गोपियां मात्र सरसों के दाने या राई दाने के समान है। तो जब भी ऐसा अभिमान होता है तो ये रास में थोड़ा सा राधा रानी को मान होता है और राधा रानी वहां से अंतर्ध्यान होकर के श्रृंगार भट्ट में आ जाती। यहां पर जब भगवान श्री कृष्णचंद्र देखते हैं कि अब रास में एकदम से आनंद आना जो है बंद हो गया है, उसका कारण राधा रानी यहां नहीं है, राधा रानी को ढूंढने के लिए वो भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और श्रृंगार भट्ट में आए। श्रृंगार भट्ट में आकर के राधा रानी को अंक में भर करके उनका सुंदर श्रृंगार किया है, सुंदर पुष्पों से जो है श्रृंगार हो रहा है। और जब ये वहां पर श्रृंगार कर रहे थे तभी ढूंढती ढूंढती सारी गोपियां उच्च स्वर में क्रंदन करती हुई, उच्च स्वर में कीर्तन करती हुई गोविंद का वहां पर पहुंची। तो थोड़ी देर में ही जब ये पहुंचने में थोड़ा समय लगा तो इन्होंने देखा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कि गोपियां बस आने ही वाली हैं। तो राधा रानी से कहा, हे राधे तुम यहां से मेरे साथ प्रस्थान करो, गोपियां आ रही हैं। लेकिन राधा रानी कहने लगी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, इतनी देर तक हमने नृत्य किया, इतना क्लांत हो गया, अब यहां तक चल करके आई हूं, मुझसे अब आगे जाया नहीं जाता, कृपा करके मुझे गोद में नहीं तो कंधे पर बिठा कर ले चलो। अब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कहा ठीक है, वो झुके और कहा, हे राधे मेरे कंधे पर आप विराजमान हो जाइए।
अब राधा रानी जैसे ही कंधे पर विराजमान होने लगी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र एकदम से वहां से अंतर्धान हो गए और अंतर्धान होकर के वहां से चले हैं इमली तला आकर के विराजमान हो गए। इमली तला में आकर के वो राधा रानी के विरह में पूरी तरह से व्याकुल हो रहे हैं और उधर राधा रानी जो श्रृंगार वट में व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। गोपियां आई और गोपियों ने देखा कि राधा रानी जो है यहाँ मूर्छित है और यहाँ जो है पास में ही श्रृंगार वट के पास ही सुंदर वन है, उनमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जो सुंदर चरण कमल के आगे के जो पंजे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, एड़ी नजर नहीं आ रही। उधर उन्होंने देखा कि यहाँ हो ना हो उचक उचक के पुष्पों का चयन हुआ है और ये राधा रानी को यहाँ पर सुंदर श्रृंगार किया। तब वो राधा रानी की महिमा जानी कि राधा रानी के बिना रास हो ही नहीं सकता। तब उनके चरणों में उन्होंने बड़ी प्रार्थ किया और क्षमा मांगी कि हमें अहंकार हो गया था। अब यहाँ राधा रानी की जो है महिमा का गुणगान करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र अंतर्धान हुए। ऐसा नहीं कि राधा रानी के बिना वो जो है बड़ा आनंद लेते हैं, कभी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी की महिमा को स्थापित करने के लिए वहां से प्रस्थान हुए थे। और राधा रानी भी बहुत ज्यादा कृपालु दयालु है, कृष्ण तो है ही दयालु लेकिन ये महाभावा स्वरूपा गोपी राधा रानी जो है इतनी दयालु है, वो चाहती है जो मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है कृष्ण के साथ वही मेरी सखियों को। इसलिए उन्होंने बहाना लगाया कि मैं थक गई हूं, क्लांत हो गई हूं, मुझे अंक में नहीं तो गोद में नहीं तो कंधे पर बिठा कर ले चलो। जबकि ऐसा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हैं जो मुझे आनंद की अनुभूति होती है समस्त सखियों समस्त गोपियों और समस्त जीवों को हो। तो इसीलिए ये जो चैतन्य अवधारा है इसमें यही जो आनंद है वही आनंद जो है मंजरी भाव में हम भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सही सही प्रकार से हमें भजन करना होगा। वर्षा बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे हरे। तो इमली तला में भगवान श्री कृष्ण चंद्र कल है ना, कल जब जो परिक्रमा जाएगी ये जाएगी और मधुवर और तालवर ये सब कुंभवर ये कल परिक्रमा है, इसलिए रवि प्रभु कल आप बोलना तालवर के बारे में श्री बलदेव प्रभु के तालवर में और आप कल जा रहे हो इसलिए तुम देख लेना गुरुजी ने बताया कि वृंदावन महिमा के बारे में, वृंदावन धाम के बारे में एक प्रश्न है, इस पृथ्वी लोक से बड़ा कौन सा लोक है? हैं स्वर्ग लोक, क्योंकि यहाँ से जो ऊंचे अवस्था में सूक्ष्म रूप में और भोग के योनि में कौन रहते हैं? देवता। उससे ऊपर नहीं, उसके ऊपर जो है स्वर्ग भू भुव स्व मह महर्षियों का लोक है, फिर तपियों का लोक है, जो ब्रह्मा जी का लोक है, इसके ऊपर वैकुंठ लोक है, इसके ऊपर गोलोक है। तो गोलोक लोक जो है वो वृंदावन गोलोक के अंतर्गत आता है। अष्टदल कमल परिवेष्टित होकर के अष्टदल कमलों के जो कर्णिका है उसके ऊपर विराजमान है ये वृंदावन धाम गोलोक धाम गोकुल धाम। इसीलिए क्योंकि यहाँ के
धाम इतना श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि जहाँ पे सर्वश्रेष्ठ भगवान जो देवा देवियों से भी ऊपर उठ के भगवान है, उनके अंश और उनके कला अवतार हैं, और उससे भी ऊपर जो उनके अवतारी पुरुष श्री कृष्ण चंद्र जिस धाम में अपना घर बनाया है, जिस धाम को अपना नित्य घर दिया है, वह धाम श्रेष्ठ होगा। केवल इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान भी इस धाम की मिट्टी को आस्वादन किया है। एक व्यक्ति अगर बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, जैसे राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का क्या महिमा होगा बताइए, क्योंकि सबसे जो होनहार कारीगर होते हैं, जो खाने बनाने वाले होते हैं, केवल भारत के नहीं दुनिया भर के जितने भी अच्छे अच्छे कारीगर होते हैं वो भी आते हैं कि हमें कैसे हमारा जीवन हमारा रसोई बनाना तभी सफल है अगर हम रात्रि भोजन राष्ट्रपति भवन में करें। तो जो इतना बड़ा ठाकुर है अगर वो किसी चीज को खा लिया हो तो क्या वो धाम साधारण होगा। इसलिए भगवान ने ब्रह्मांड घाट में इस वृंदावन धाम जो रस रूप है, क्योंकि पृथ्वी का एक नाम है रस और ये वृंदावन में ऐसा जो रस है वो क्यों है, क्यों इतना रस है, क्योंकि राधा पदां कित धाम वृंदावन जारा नाम, और भगवान के सबसे प्रिया कौन है, राधा रानी, उनकी पद अंकित ये धाम है, और जहां पे राधा रानी का स्वयं पदारविंद वहां पे है, वहां पे सारे प्रेमी संत जो प्रणयी संत हैं वे वहां पे जाते हैं, इसीलिए उस वृंदावन धाम की इस धूल की कितनी विशेषता होगी उसको भगवान ने चखा है। और परिपूर्णतम भगवान अगर किसी धाम की इतनी विशेष महिमा को दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से वो वृंदावन धाम कितना श्रेष्ठ होगा। इसीलिए और ये अचिंत्य विषय है, इसको कोई कभी चिंता नहीं कर सकता है। अतः ब्रह्मा जी भी कहते हैं, जो ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक को छोड़कर इतना सुख सुविधा को छोड़कर के, क्या आप बताइए एक जीवंत वस्तु तपस्या किया घनघोर और वो मांगा तो वर क्या मांगा कि मेरे को पत्थर बना दो, एक जीवंत वस्तु निर्जीव बनने के लिए कभी तैयार होगा। पर ब्रह्मा जो सारे जीवों में आदि जीव है, ऐसे ब्रह्मा भी क्या कहते हैं कि मेरे को एक ब्रज में पत्थर के, ब्रज नहीं ब्रज की परिसीमा के अंतर्गत नहीं बहिर्भूत होकर के अगर वहां पे मेरे को एक साधारण पत्थर के रूप में बना दें, ताकि जो जमादार लोग हैं जब अपना काम दाम करके जब बाहर आएंगी तब इन्होंने अपने चरण को रगड़ रगड़ के मेरे पे साफ करेंगे, तो उन जमादारों के भी चरण मेरे सिर पे, उनकी धूल मेरे सिर पे पतित हो, इस पांछा को लेकर ब्रह्मा जी मांग रहे हैं क्या कि मेरे को एक क्या बना दो, पत्थर बना दो। उद्धव जी कहते हैं कि मेरे को कुछ ना कुछ हो ना हो कि तरु के रूप में मेरे को गुणमलता तरु के रूप में औषधि के रूप में बना दो, अगर मैं है गुणमलता बन गया तो इन गोपियां जब चल करके कृष्ण सेवा के लिए जाएंगी, ऐसी कृष्ण सेवा लालसा वृद्धि से जो चरण से रज मेरे मस्तक पे पतित होगा तो मेरा क्या जीवन धन्य होगा, उसको सोच करके कृतकृत्य हो रहे हैं। बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, कहते हैं नंद बाबा के आंगन में और नंद महाराज जी के राज्य में जितनी स्त्रियां रहती हैं वे सारे के सारे उनके चरण रज मेरे पे गिरेगा तो कितना बड़ा मेरा भाग्य होगा। यही वृंदावन धाम को सोच करके लक्ष्मी जी मोहित होकर के, जो लक्ष्मी जी और करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां जहां पे आकर के क्या कहते हैं, लक्ष्मी सहस्र सतसं ब्रह्म सेव्य मानो, यह वृंदावन धाम से बाहर बैठ करके वृंदावन धाम में पधारने के लिए कोशिश करते हैं। अरे यह तो छोड़ो, सबसे बड़ी बात है जो कृष्ण वृंदावन आने के लिए, कल गुरु जी कह रहे थे ना, क्या करते हैं जो महिषियों का पल्लू खींचते हैं, रात को नींद नहीं आता कि कब मेरे वहां पे उस मिलन भूमि पे मेरे को आप राधा रानी मेरे को आप ले जाएंगे। इसलिए भगवान उस वृंदावन धाम को चिंता करते करते जगन्नाथ के रूप में आ जाते हैं, इतने विरह देने वाला, इतना प्रणय देने वाला, तन्मयता की भूमि कौन है, श्री वृंदावन धाम है। ये नहीं, आप लोग सुने होंगे वो भजन वृंदावन धाम अपार, उसमें कितनी बातें बताए, तो इतना छोटा सा एक बुक आता है पूरा ऐसी भजन भजन में लिखा हुआ है, वृंदावन धाम की महिमा को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए ममास्तु वृंदावन एव वास, ये वृंदावनाष्टकम में श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि अगर मेरे को भी अपना कन्या को बेच करके वृंदावन धाम को आना पड़े, वृंदावन महिमावृत में प्रवदानंद सरस्वती पाद को उल्लेख कर रहे हैं, मेरे अपनी कन्या को बेच करके सबसे बड़ा महत पाप करने के लिए भी तैयार है, क्यों, क्योंकि मेरे को अगर वृंदावन में वास करना पड़ जाएगा। प्रवदानंद सरस्वती कहते हैं अगर मेरे को
वृंदावन धाम में रह करके चोरों के संग करना पड़े, चोर नहीं चोरों के संग करना पड़े तब भी मैं उनके संग कर लूंगा, परंतु फिर भी मैं वृंदावन की कामना करता हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, मैं अगर गोवर्धन में तट में रह करके मेरे मैं अगर संसारी लोगों से बहु पुत्र की बातें करूं, अति घटिया बातें भी करूं, फिर भी मेरे को क्या चाहिए, उस गोवर्धन और वृंदावन के पास मेरे को चाहिए। इसलिए साधना वृंदावन धाम नहीं है जहां पे भगवान ने इतने सौर लीला किया। बताओ ना कौन सा भगवान, भगवान अपने खड़ा हूं। उस दिन प्रभु जी बता रहे थे ना, जब भगवान साम वेदीय स्तुति चल रहा था, बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपो में ध्यान में भगवान को ध्यान रहे थे, जब गजराज ने पुकारा भगवान ने छोड़ करके सब छोड़ छाड़ करके आ गए। तो ऐसे भगवान जो परिपूर्ण रहते हैं, किसमें सारे प्रकार साज सज्जा अलंकार विभूषित महामंडित होकर के रहते हैं, वो भगवान जब वृंदावन में रहते हैं, मथुरा और द्वारका में भी नहीं ये देखा जाता है, परंतु वृंदावन में रहते हुए भगवान कभी भी जूती चप्पल व्यवहार नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसी का महिमा बढ़ाने के लिए। इसीलिए जब हम परिक्रमा देते हैं, जब हम जाते हैं, सबसे पहले वृंदावन धाम को प्रणाम करके नंगे पैर क्यों जाते हैं, क्यों धूल देते हैं? क्योंकि ताकि भगवान कहना चाहते हैं, जो तुम थोड़े बहुत भी वैष्णव हो, तुम अपने चरण रज को छोड़ दो, आने वाले वैष्णव लोग तुम्हारे चरण रज, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे प्रेम रस को विस्तर पे लगाएंगे। नहीं तो जो बैसाख मास में ना, हमारे महाराज जी कहते हैं बैसाख मास में एक काल वैसाख की झड़ होता है, तूफान आता है, और तूफान आता है तो हम लोग जो वृंदावन में वास करते हैं कितने भाग्यशाली हैं, ताकि हम लोग बैठे बैठे उस सारे संतों की अनादिकाल से जितने तपो ध्यान और भक्ति रस में डूबे हुए जितने तन्मय सारे संत हैं, उनकी चरण धूलि एक साथ एकत्रित हो करके बांके बिहारी के चरण में, बांके बिहारी की जो शरीर में जाके स्पर्श होता है वो हमारे शरीर में भी स्पर्श होता है। तो एक जगह पे बैठे बैठे जो सबसे बड़ा महाबल है, भक्त का अवशिष्ट उच्छिष्ट, भक्त का चरण रेणु और भक्त की पद जल जो है, वो उनमें से एक जो है भगवान के भक्तों की सारे चरण रेणु आकर के हमारे सर पे गिरता है, हम भी कृत्य कृत्य और भगवान भी कृत्य कृत्य होते हैं। ये वृंदावन धाम है, इसीलिए रसखान जी क्या कहते हैं, जानते नहीं हो कि हम क्या उसका ठीक जय जय श्री राधे। रोज रोज थोड़ा थोड़ा रोज रोज वृंदावन धाम की कथा सुनना और लीला कथा को रोज रोज सुनना, ठीक है? इसे जब लोग कल जा रहे हैं ना, दो तीन दिन बाद में प्रभु जी, फिर जितना जल्दी हो ना प्रभु जी आप आ जाए, ठीक है? रोज रोज थोड़ा थोड़ी वृंदावन की कथा सुनना, ठीक है? वैसे वृंदावन धाम की, अरे हमारी ये नाम क्या, संजीव, हरे कृष्ण, बोला हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम Ram 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 Ram
श्री श्री गुरुवरम गांधार विगधारी राधा रमन बिहारी जी की जय। श्री श्री राधा रमन बिहारी जी की जय। जय तिलिलाभ विष्णु विष्णु पाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण कृष्ण महाराज गुरुदेव की जय। जय तिलिलाभ विष्णु पाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत विक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय तिलिलाभ विष्णु पाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत अमन गोस्वामी महाराज की जय। जय तिलिलाभ विष्णु पाद श्री श्रीमद